गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए प्रचार प्रसार की तैयारी में बीजेपी पहुंचाएगी 80 करोड़ लोगों को 9 महीने तक का मुफ्त राशन। उत्तराखंड को मिले नए सीएम, आज शाम पुष्कर सिंह धामी लेंगे शपथ। कांग्रेस ने राफेल डील पर ट्वीट कर साधा केंद्र पर निशाना, राहुल गांधी ने की जेपीसी से जांच की मांग। पंजाब में बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का सड़क पर प्रदर्शन। पाकिस्तान में कट्टर मौलवियों के कहने पर तोड़े गए मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इसे दोबारा बनाया जा रहा। मैक्सिको की खाड़ी में गैस पाइपलाइन टूटने के बाद लगी आग, किसी भी तरीके की जान माल के नुकसान की परिस्थिति अभी स्पष्ट नहीं। आरबीआई ने बदले एफडी से जुड़े नियम, म्याद पूरी होने पर क्लेम न करने पर कम मिलेगा ब्याज। यूरो कप 2020 में स्पेन और इटली ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम को दी मात। भारतीय पैरा तीरंदाजों के लिए मुश्किल बना कोरोना वायरस, अहम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए चेक गणराज्य ने नहीं दिया वीजा। डांस गुरु सरोज खान की पहली भर्ती पर भूषण कुमार का बड़ा फैसला, लेजेंडरी कोरियोग्राफी पर बनाएंगे बायोपिक।